भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग प्रदेश में हालात कैसे खराब हों इसके लिए नए नए षड्यंत्र रचने का काम करती है। जब इनकी पहली 5 साल की सरकार थी उस वक्त के अंदर इन्होंने जाट आंदोलन को कुचलने के लिए किस तरह से बर्बरता के साथ लोगों पर अत्याचार किए, राजकुमार सैनी जैसे व्यक्ति को आगे करके और आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया, किस तरह की आग प्रदेश में लगाई जिससे आपस में लोगों के जो भाईचारा था, जो अच्छे संबंध थे, उनको इन्होंने खराब करने का काम किया। आज जब फिर हालात सुधरे, लोगों में आपसी भाईचारा जब मजबूत हुआ और लोग भाजपा की इन साजिशों को समझने लग गए अच्छे से, उसके बाद नू के अंदर आज फिर नया एक विवाद खड़ा कर दिया। आज जो है फिर नू का खास करके पूरे मेवात का माहौल खराब करने का काम किया, इस तरह के हालात वहां पे पैदा कर दिए कि दो समुदाय के लोग जिनका आपसी बहुत पुराना भाईचारा था आज वो कहीं ना कहीं उसकी भेंट चढ़ा। मैं अपील करता हूं दोनों समुदाय के लोगों के साथ कि आप शांति बनाओ, अपना भाईचारा कायम करो। और मैं सरकार के लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि जो साजिश से आप रच रहे हो, जिस तरह का आप हरियाणा प्रदेश के अंदर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके लिए ठीक नहीं है। सरकार को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और जिन लोगों ने इस साजिश को रचा है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से मेवों से भी और वहां जो हिंदू रह रहे हैं उनसे भी व्यक्तिगत उनसे एक अपील करता हूं कि आप जो है इस सरकार की साजिश को समझें और अपने भाईचारे को खराब ना करें, भाईचारे को मजबूत करें। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। धन्यवाद।